पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लॉकडाउन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। मेरे साइड से टर 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 ये फिर तो भाई ये बहुत सारे मौजूद रहा हूँ सवाल इसी में कई सारे और आज हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी लागू की जाए। हमारे महीने में हमने जिम्मी में प्रोटेस्ट किया था लगातार 4 महीने उस टाइम एलजी साहब ने और आपके हाँ मैं किसी का था। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और प्रोटेस्ट करने की वजह। सर मेरा नाम मंजूर अहमद खांडे है, खिदमत सेंटर एसोसिएशन से वाबस्ता हूँ। हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मतलब है कि हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, ऐसी ना इंसाफी हो रही है कि हमारी जिंदगी जाया हो रही है। सर आपको पता भी होगा हर जगह ये मसला चल रहा है, एलजी साहब के पास भी पहुंचे था, जेके बैंक चेयरमैन साहब को भी पता है, लेकिन चेयरमैन साहब अपनी आंख नहीं खोल रहे तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। लास्ट ईयर हम 3 महीने जम्मू में प्रोटेस्ट पे बैठे थे और इन्होंने हमारे साथ वादे किए उस टाइम कि आप यहाँ पे कोविड-19 की वजह से ये अपना प्रोटेस्ट खत्म कीजिए, हम आपका मसला हल करेंगे। बाजाबता तौर अखबारों में भी छपाया और फिर हमें कोविड-19 की ड्यूटी में लगाया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी साथे वो पॉजिटिव निकले। फिर अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की हम सब लोगों के दुआ से वो बच गए, लेकिन इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि हमको के इसी वजह से खत्म कर दे। और जब वो खत्म हो चुका सर, आज तक तो अभी 6 महीने निकले हैं उस वादे का, भी आज तक हमारा मसला नहीं सुलझा रहे हैं। हमारा मसला ये है कि जो 10 साल इन्होंने हमारे जाया किए हैं, अब हम कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी एज लिमिट तो क्रॉस कर चुकी है कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब हम यही चाहते हैं कि जेके बैंक में हमारा जॉब मिले, जो हमारा हक है। पर इससे पहले अगर आपके जो जेके बैंक के हवाले से बात करें कि जॉब मिलने की, हमें जॉब मिले जाए तब जाके आप ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर जाके आपकी बात आगे नहीं पहुंच पाई या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? सर नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम लगातार सड़कों पे बैठेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में हमारा जो ये आंदोलन है ये और तेज हो जाएगा।